स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं आर एस अग्रवाल का. देखो तो उसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम द लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. बोल रहा है क्या कि एक टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये टावर है हमारा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किस जो आपका टावर का फुट है उसी लेवल पर कहीं एक पॉइंट से कितना है 30 डिग्री है. ये 30 डिग्री है हमारा, ये गिवन है. अब आगे देखो क्या बोल रहा है कि ऑन एडवांसिंग 150 मीटर टुवार्ड्स द फुट ऑफ द टावर, अगर यहाँ से 150 मीटर टावर के फुट की तरफ अप्रोच करते हैं, एडवांस करते हैं, बढ़ते हैं, तो क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री होता है. पहले 30 था, अब 60 हो गया, बढ़ गया. तो अब क्या बोल रहा है कि शो डैट, ये दिखाना है कि द हाइट ऑफ हाइट इज कितना हो जाएगा हमारा 129.9. ठीक है ना, हमें दिखाना है कि जो हाइट है ना हमारा स्टार का, ये हाइट कितना हो जाएगा 129.9 मीटर होगा इसका, इस टावर का हाइट, ये मुझे दिखाना है, ये मुझे शो करना है. तो अब देखो क्या करेंगे, यानी कि ये h जो है ना, ये h इज इक्वल टू मुझे शो करना है कि ये कितना होगा कि ये 129.9 मीटर आएगा, यही मुझे शो करके दिखाना है, ये प्रूफ करना है. चलिए आइए देखते हैं क्या करते हैं. देखना सबसे पहले तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं ए सी बी सी, ये ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, है ना. देखो तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री कहाँ पर है हमारा, तो एट बी पर है, तो यहाँ लिख दिया, मेंशन कर दिया है. अब देखो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी. चलिए टेन 30 का वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा रूट थ्री, रूट थ्री नहीं, वन बाय रूट थ्री होता है, तो वन बाय रूट थ्री डाल दिया, इज इक्वल टू ए बी. ए बी हमारा कितना है, तो ए बी को मैंने एच माना है और यही मुझे निकाल के दिखाना है, तो इसको एच रहने दो. बी सी, बी सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है 150 और यहाँ हो गया प्लस एक्स, तो पूरा जो है हमारा लेंथ हो जाएगा 150 प्लस एक्स. ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए. ठीक है, तो देखो तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें हम, तो ये रूट थ्री से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 150 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू एच. चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आ गया, अब यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो फिर फर्दर फिर जो हम लोग इस एक्स के वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे तो एच आ जाएगा हमारा. तो देखो तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, देखना तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट थ्री एच माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस में होगा माइनस 150, ये आ गया मुझे एक्स का वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन वन मान लेता हूँ. चलिए अब क्या कर रहे हैं, अब ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी नाइन्टी डिग्री एट बी पर है, तो रहने दो. अब देखो क्या हो जाएगा टेन 60 ना, तो दिस इंप्लाइज टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो गया हमारा भाई ए बी, बेस हो गया हमारा बी डी. ठीक है, 1060 का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी है हमारा एच और बी डी को हम लोगों ने लिया था एक्स, तो यहाँ से फिर जो है हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा हमारा कि एच अपॉन रूट थ्री. अब इस एक्स के वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ इक्वेशन वन में, तो इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं. तो इक्वेशन वन देखो x इज इक्वल टू इतना आया है, इक्वेशन टू भी x इज इक्वल टू इतना आया है, तो फ्रॉम वन एंड टू से देखो तो क्या हो जाएगा कि h रूट थ्री, h अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रूट थ्री एच माइनस 150. ठीक है, अब इस रूट थ्री को उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो देखो तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये रूट थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3h हो जाएगा, और माइनस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 150 रूट थ्री हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से इस
एच को मैं या फिर इस एच को उधर भेज दो और 150 को इधर बुला लो, क्योंकि 150 माइनस में है, इसको इधर बुलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इस एच को उधर भेज देते हैं। तो देखो तो क्या हो जाएगा अब यहाँ से, तो जब इस 150 को इधर बुलाएंगे तो प्लस में आएगा ना, तो दिस इम्प्लाइज 150 रूट थ्री है, रूट थ्री का वैल्यू भी मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, तो कितना बोला लेने के लिए 1.732 इज इक्वल टू, और जब ये एच इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 3H में से एक H माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2H, तो ये हो गया हमारा 2H इज इक्वल टू, अब इस 2 को भेज दो इधर तो बाएं में आ जाएगा, तो देखो 150 इंटू 1.732 बाय 2 इज इक्वल टू H, तो यहाँ से H का जो है फर्दर मेरा वैल्यू आने वाला है, आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से, तो देखो तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 75, और 75 को जब इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आता है आंसर, जब 75 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा, फर्दर तीन डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये तीन डिजिट का ये पॉइंट यहाँ बैठा दिया, तो यहाँ से जो है हमारा एच का वैल्यू आ गया, एच इज इक्वल टू 129.9 मीटर, यही मुझे शो करना था, दिखाना था प्रूफ करके, तो ये हमारा आ गया है स्टूडेंट्स, अच्छा ही क्वेश्चन था ये भी, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।